बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हॉक्स इन्फो। फ्रेंड्स, बटरफ्लाइज कितनी क्यूट और ब्यूटीफुल होती हैं। ये दुनिया के तकरीबन हर गार्डन में पाई जाती हैं। ये कलरफुल और डेलिकेट होती हैं। बटरफ्लाइज एक्चुअली इंसेक्ट्स हैं, इन्हें मॉथ्स भी कहा जाता है। एक अडल्ट मैच्योर बटरफ्लाई लार्ज साइज्ड, ब्राइटली कलर्ड और वाइड विंग्स रखती है। इसका किंगडम एनिमेलिया, फाइलम आर्थ्रोपोडा और क्लास इंसेक्टा है। दुनिया में बहुत खूबसूरत और यूनिक कलर्स की बटरफ्लाइज पाई जाती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज के बारे में बताऊंगी। सो लेट्स बिगिन। नंबर 6, क्वेश्चन मार्क बटरफ्लाई। ये बटरफ्लाई नॉर्थ अमेरिका के वुडी एरियाज और सिटी पार्क्स में ज़्यादा देखी गई है। यकीनन आप सोच रहे होंगे कि इतना पिक्यूलियर नेम ही क्यों। इसकी रीज़न काफ़ी ऑब्वियस है, लेट मी टेल यू। इस बटरफ्लाई के टॉप विंग्स ऑरेंज और ब्लैक कलर के, जबकि हाइंड विंग्स यूजली ब्लैक कलर के होते हैं। इसके विंग्स के नीचे की सरफेस डार्क ब्राउन और ग्रे होती है। इसके विंग्स की इसी तरफ एक इनकम्प्लीट क्वेश्चन मार्क नेचुरली प्रिंटेड होता है। इसी वजह से इसका नाम क्वेश्चन मार्क बटरफ्लाई रखा गया है। इसके टॉप विंग्स कई कर्व्स में होते हैं, जबकि हाइंड विंग्स के एंड में शॉर्ट टेल्स देखी जा सकती हैं। इन दोनों विंग्स पर डॉट्स और कर्व्स क्लियरली देखे जा सकते हैं। ये रियली यूनिक है। नंबर 5, गोलियत बर्ड विंग बटरफ्लाई। फ्रेंड्स, ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बटरफ्लाई स्पीशी है। पहली सबसे बड़ी स्पीशी क्वीन अलेक्जेंड्रास बर्ड विंग है। ये बटरफ्लाई दुनिया के बहुत कम इलाकों में पाई जाती है और ज़्यादातर वेस्ट अफ्रीका के एक मुल्क गायनिया और इंडोनेशिया के रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है। लेकिन ये ब्यूटीफुल होने के साथ साथ दुनिया की दूसरी सबसे ज़्यादा जहरीली यानी पॉइजनस बटरफ्लाइज में से एक भी है। इसका जहर कई इंसानों की जानें भी ले चुका है। गायनी के लोकल लोग इस बटरफ्लाई को काफ़ी महंगे दामों सेल करके इनकम हासिल करते हैं और ये ट्रेड टोटली लीगल है। इसकी स्पीशी में मेल ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, क्योंकि वो गुड कलर कॉम्बिनेशन में दिखाई देते हैं, जिनमें ब्लैक, ग्रीन और येलो शामिल हैं। नंबर 4, द पीकॉक बटरफ्लाई। पीकॉक बटरफ्लाई का ये नाम इसके विंग्स पर ड्रा की हुई ब्यूटीफुल पीकॉक लाइक एम्बेलिशमेंट की वजह से है। इसके रेड विंग्स पर मौजूद पर्पल और वायलेट कलर डॉट्स बिल्कुल एक मोर की परों की तरह लगते हैं। ये बटरफ्लाई यूरोप, एशिया, जापान, इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में पाई जाती है। ये ज़्यादातर गार्डन्स, वुडलैंड्स और फॉरेस्ट में दिखाई देती है। इसकी पॉपुलेशन काफ़ी स्टेबल है। इसके विंग 2.4 से 2.7 इंचेस तक फैले होते हैं। इसके यूनिक कलर्स की वजह से ये दूसरे जानवरों के अटैक से बच जाती है, क्योंकि पहली दफ़ा देखने में ये काफ़ी अनरियल लगती है। बाकी दूसरी बटरफ्लाइज की तरह ये भी रेड, ग्रीन और येलो कलर्स इजीली डिटेक्ट कर पाती है। इसका लाइफ स्पैन काफ़ी लंबा होता है और ये तकरीबन 11 माह तक जिंदा रहती है। नंबर 3, ज़ीब्रा स्वालोटेल बटरफ्लाई। ये बटरफ्लाई ज़्यादातर नॉर्थ अमेरिका के मशरक, फ्लोरिडा और टेक्सास में पाई जाती है। इसके विंग्स पर मौजूद ब्लैक और वाइट स्ट्राइप्स की वजह से इसे ज़ीब्रा स्वालोटेल बटरफ्लाई कहा जाता है। इसके विंग्स ट्रायंगुलर शेप में होते हैं। इसके दूसरे नामों में काइट स्वालोटेल, एजैक्स और ड्रैगन बटरफ्लाई शामिल हैं। ये बटरफ्लाई दुनिया के सबसे ज़्यादा खूबसूरत स्वालोटेल इंसेक्ट्स में शुमार की जाती है। इसके विंग्स 2.5 से 4 इंचेस तक बड़े होते हैं। इसकी सबसे ख़ास बात इसके हाइंड विंग्स के एंड पर मौजूद लॉन्ग टेल है, जो कि इसे एक स्वालो टेल की खसूसियत देती है। नंबर 2, यूलिसिस बटरफ्लाई। इसे ब्लू माउंटेन स्वालो टेल भी कहा जाता है। ये बटरफ्लाई ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट पर पाई जाती है। इसका ब्राइट ब्लू कलर 100 फीट की दूरी से भी दिखाई देता है। इस बटरफ्लाई के विंग्स 5.5 इंचेस तक फैले होते हैं, लेकिन इसकी सब स्पीशीज में ये साइज बदलता रहता है। विंग्स के ऊपर का रंग इलेक्ट्रिक ब्लू, जबकि इनके नीचे का रंग ब्लैक और ब्राउन होता है। ये बटरफ्लाइज ज़्यादातर रेन फॉरेस्ट में पाई जाती हैं। ये ज़्यादातर इन इलाकों में मौजूद फूलों का रस पीती हैं।
इसका लाइफ स्पैन 8 मंथ्स होता है। नंबर 1, ब्लू मॉर्फो बटरफ्लाई। ये बटरफ्लाइज की 30 स्पीशीज में से सबसे बड़ी स्पीशी है। इसका साइज बहुत लार्ज होता है। इवन अगर कोई पायलट एरोप्लेन में बैठकर रेन फॉरेस्ट से गुजर रहा हो तो वो इसे इजीली देख सकेगा। इसके विंग्स नियरली 12 सेंटीमीटर तक फैले होते हैं। ये ब्राइट ब्लू, ब्लैक और ब्राउन कलर्स के पर्टिकुलर डिज़ाइन में पाई जाती है। ये ज़्यादातर सेंट्रल और साउथ अमेरिका, मेक्सिको और कोलंबिया में देखी जाती है। ये अपना ज़्यादातर टाइम जंगलों, झाड़ियों और दरख्तों पर गुजारती है। दूसरी बटरफ्लाइज की तरह ये भी फ्रूट जूसेस और सैप पीती है। कैटरपिलर स्टेज पर इनमें पॉइजनस मटेरियल पाया जाता है, जबकि अडल्ट टॉक्सिक नहीं होता। दुनिया में इस बटरफ्लाई की 29 स्पीशीज पाई जाती हैं, जिनमें ब्राउन कलर्ड, ग्रीन कलर्ड और रेयर वाइट कलर्ड बटरफ्लाइज शामिल हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मज़ीद ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हॉक्स इन्फो को सब्सक्राइब कर लें। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।